ऑस्ट्रेलिया आर्मेनिया बदल के ऑस्ट्रिया टर्की उधर है टर्की उधर से भी है कुछ उधर भी कुछ है दोनों साइड में जिनसे ये देखें आप इस स्ट्रीट पे तमाम ममालिक के झंडे लगे हैं और ये सामने जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं मेहुल साहब जरा बताइएगा सामने एम्बेसी सुइट है एम्बेसी सुइट नहीं वो सामने जो हम देख रहे हैं जस्ट लाइक वो जनाबे आली वो वही है जो आपको मैंने बताया था अच्छा वही है इंडिपेंडेंट हॉल है इंडिपेंडेंट हॉल बल्कि लिबर्टी बेल वहीं पर है अच्छा यहाँ पे रॉकी में अच्छा फिल्म रॉकी जो जिसमें सिल्वेस्टर स्टालोन की पिक्चर थी भागते हुए जड़े थे वो उसमें फिल्माई गई थी वहाँ एक खास बेल लगी है जो लिबर्टी बेल कहलाती है और वो पिक्चर का खास सीन था हम वही देखने जा रहे हैं मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको भगाता हूँ वहाँ पे चलाऊँ जिसके चांसेस कम नजर आ रहे हैं अच्छा ये एक्चुअली फ्रैगमेंट पार्ट में चला था हाई कोर्ट है फिलाडेल्फिया में हम हाई कोर्ट के सामने से गुजर रहे हैं ये सामने जो स्टार ट्रेक का क्या है यहाँ पे कोई है शो चलने वाला होगा गालिबन देखिए सीधे कर रहे हैं इस तरफ ये लिबर्टी बेल आप इसको जरूर पिक्चर में लीजिएगा सामने नजर आ रही है आपको लिबर्टी बेल बेल भी लगी हुई नजर आ रही है ये पाकिस्तान का झंडा क्या आपके ये देखिएगा पाकिस्तान का झंडा हम फिर इसको क्रॉस करेंगे हम यही देखते रहे कहा इसको देखने के लिए बहुत लोग आते हैं लिबर्टी बेल कैली ड्राइव का सफर कर रहे हैं इस वक्त साइड में लोग पिकनिक का माहौल एक बना हुआ है और लोग एंजॉय कर रहे हैं ये देखिए कैंपिंग बाकायदा कैंप लगाए हुए हैं यहाँ पे ये सारी चीजें मोटर बोट इस तरह की सारी चीजें यहाँ पर आपको नजर आएंगी और सिटी के जितने भी लोग हैं मोस्टली वो यहाँ पर आके जॉगिंग वॉकिंग साइकिलिंग सारी चीजें यहाँ पर करते हैं ये फिलाडेल्फिया कैली ड्राइव का एरिया है यहाँ पर पूरे ममालिक बल्कि पूरे अमेरिका से लोग आके कनोइंग रॉ बोरिंग मोटर बोरिंग अब बोरिंग ये सारी चीजें करते हैं बाहर की सोसाइटी उस व्यू पे हमने जो है वॉकर्स जॉगर्स और उसके बाद बोर स्केयरिंग और स्केयरिंग देखी थी ये सारा आज मुकाबला हुआ है और अब जो रह रहे लोग हैं वो अपनी तमाम वर्णावली आपको फोकस कर दिखाएंगे और लड़कियां हैं वो अपना चुनौ लेकर जा रही है और उसके साथ साथ इंडिविजुअल पेयर की शक्ल में उसके अलावा ग्रुप की शक्ल में अपना मैं महबूब भाई के साथ इस वक्त फिलाडेल्फिया में हूँ और ये एक खास पिकनिक पॉइंट है और यहाँ पे अक्सर लोग राफ्टिंग और बोटिंग स्विमिंग और सब करते हुए नजर आ रहे हैं और सबसे बड़ी खूबसूरत बात यहाँ की यहाँ का मौसम इस वक्त बड़ा खूबसूरत है लोगों ने कैंपिंग की हुई है और छुट्टियों का सही इंजॉय यहाँ पे होता है जो कि मैं कहता हूँ कि यहाँ
छुट्टियाँ गुजारना जन्नत की तरह है, क्योंकि जन्नत में लोग बहुत बेफिक्री के आलम में होंगे। इसी तरह लोग यहाँ इस तरह से जन्नत का एक लुत्फ उठा सकते हैं छुट्टियों का, क्योंकि हमारे मुल्क में छुट्टियाँ आने का मतलब ये होता है कि एक टेंशन शुरू हो जाती है कि कहाँ जाए कहाँ ना जाए। लेकिन यहाँ पे पिकनिक स्पॉट इलाके बहुत हैं घूमने फिरने के, और लाइफ का सही एंजॉय करते हैं। बहुत बेशुमार बहुत कुछ पड़े हुए हैं। और ये देखें साइड में आप ये देखेंगे कि राफ्टिंग का एक बहुत पतली सी बोट है, फिलाडेल्फिया पुलिस का है ये। और ये देखने से ताल्लुक है इसी तरह का, अंदर लोग चला रहे होंगे। ये देखिए फिलाडेल्फिया पुलिस का ये क्राफ्टिंग है, बहुत पतला सा होता है। हम इसमें जानी इन द स्पॉट जरूर कीजिएगा, उसके लिए वीडियो बना ताकि लोगों को पता चले कि हर जगह पे ये जो आप देख रहे हैं येलो बॉक्स, ये मैं आपको एक जॉनी इन द स्पॉट बकौल मियांगुल भाई के ये जो ग्रीन बॉक्स देख रहे हैं आप, पॉटी क्वीन लिखा हुआ है, चाहे तो क्लोजअप ले सकते हैं पॉटी क्वीन का। और एक ये आप पढ़ रहे होंगे पॉटी ऑफ द क्वीन जो भी है ग्रीन बॉक्स। एक आप इसमें ये बता सकते हैं कि उनको जब ये पता होता है कि कितने अफराद आएंगे उसके हिसाब से उतनी ही मेजरमेंट करके, कि अगर दो हैं तो 10 करीब की लागत रखते हैं उसमें, मतलब देख के बाथरूम इस तरह ताकि हर जगह गंदा मचे और लोग परेशान ना। हाँ, ये मतलब मोबाइल बाथरूम एक तरह के हैं और मुख्तलिफ जगहों पे ये रख देते हैं पिकनिक स्पॉट पे, ताकि लोगों को परेशानी ना हो, क्योंकि ऐसी बात है इतनी दूर पिकनिक पे आ रहे हैं और बड़े मसाइल बेक्रिएट हो सकते हैं। ये देखिए बहुत खूबसूरत लैंडस्केप। हाँ, 6 बजे आखिरी जो Good.